हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया आपका रूबी के जहाँ रियल ब्लॉग में। तो देखिए, अभी हो गया है सुबह का टाइम और कल बहुत ज़ोरों की तूफान थी, आंधी थी, बहुत ज़ोरों की बारिश भी हो रही थी। तो हमारे यहाँ पनवेल में यहाँ पहली बारिश थी, तो पता नहीं कहाँ कहाँ बारिश हुई, काफ़ी जगह बारिश हुई थी। पर हमारे यहाँ बहुत ज़ोर वाली तूफान भी था, इतनी धूल मिट्टी की, मतलब पूरा बादल काला हो चुका था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ठंडा मौसम था एकदम, और रात में भी मतलब थोड़ा बहुत हल्का ठंडा ही लगा था, इतनी गर्मी ज़्यादा नहीं हो रही थी। और इसी वजह से शायद 2 दिन से ना बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी, बारिश आ रहा था, बारिश आने वाली थी शायद इस वजह से। क्योंकि हमारी अम्मी जो थी वो बोलती थी कि मतलब जब एकदम उमस होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है, तो फिर बारिश होती है या फिर कोई तूफान वगैरह आता है। तो एकदम ठीक वैसे ही हो रहा था, तो मुझे अपनी अम्मी की याद आ गई थी। तो फिलहाल देखिए, मैंने बना रही हूँ पालक के पकौड़े। तो ये पालक थोड़े से थे और हमारे घर में ज़्यादा पालक लगते हैं, दो तीन गुंडी बड़े वाले लगते हैं। तो मैंने एक गुंडी मंगाई थी बिग बास्केट से ट्राई करने के लिए कि पालक कैसे आते हैं। तो ये 250 ग्राम था, तो इसके मैं पकौड़े बना ले रही हूँ। और ये चिकन है और मैंने नरम पाव ले ली हूँ, तो ये हमारा रहेगा नाश्ता। और मटर भी गाए थी मैंने हरे वाले, तो उनकी मैं बनाने जा रही हूँ घुंघनी। घुंघनी कहते हैं, मैं मटर ही बोलती हूँ, पर गांव वगैरह में जो भी रहते हैं वो शायद घुंघनी बोलते हैं, पर मैं उसको मटर ही बोलती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मटर। और अगर चना बनता है तो मैं चना बना बताती हूँ कि मतलब मैंने चना बनाई थी। और अगर भाजी रहेगी तो बता देती हूँ कि चने की भाजी। तो मतलब सबका बोलने का तरीका अलग अलग होता है, सबके देश का खाना वही रहता है, पर थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग होता है और उसका नाम भी थोड़ा मोड़ा अलग ही होता है। तो देखिए, लाइट जा चुकी है, तो मैं मोबाइल के फ्लैश से ये अपना काम कर रही हूँ किचन में। और ये हमारा बन के नाश्ता हो गया है रेडी। दोस्तों, हेलो दोस्तों, ये देखिए नुमान कर रहा है मस्ती। तो हम लोग का नाश्ता पानी सब हो चुका है, सब अपने अपने काम पे जा चुके हैं, बस हम दोनों हैं, माँ बेटे, मैं और ये नुमान है यहाँ पे। और रात को मैंने राशन लेके आई थी, कुछ कुछ सामान जो ख़त्म हो गया था तो वो सामान लेकर के आई थी। तो इनको भी फटाफट सेट करना है, उसके बाद बनाना है खाना। और पहले रख लूँगी मैं, उसके बाद ही कोई काम करूँगी, कि एक बार झाड़ू लग चुका है और अभी फिर से कचरा होएगा, तो एक ही साथ में दोबारा झाड़ू वगैरह मारूँगी साथ में मिला के। इसकी मस्ती चलती रहेगी, अभी ऐसे परेशान करेगा मुझे अकेले। और 10 बजे आएगा, आजाद हो गया है अरबी पढ़ने के लिए, तो 8 बजे जाता है वो, 10 बजे आ जाएगा। तब तक के लिए ऐसे मुझे तंग करेगा ये। और सामान एकदम फटाफट से बोल रहा है कि निकालो, इसको रखना है मुझे, और इसमें क्या क्या है मेरे को दिखाओ खोल के। इसको ये पोटला खोलने की बहुत ही जल्दी बाजी मची हुई है। तो सुबह सुबह सबका ही घर ऐसे ही होता होगा, फैला फैला सा। तो सबसे पहले मैं सामान रखूंगी। क्या है वो? मैगी है। अरे वो तो मेरा है। हाँ हाँ वही रखो, अभी और है उसमें, जल्दी जल्दी निकालो सब। चलो बेटा मेरी हेल्प कर रहा है, फटाफट निकाल रहा है, वही नीचे रखो साइड में। हाँ लुको लुको, लुकी हूँ मैं, कहीं जा नहीं रही बेटा। और मुझे आज फटाफट से काम करने, अभी 9 नहीं बजा है, 5 मिनट बाकी 9 बजने में। और आज मुझे जाना है नाला सोपारा, आज मुझे जाना है नाला सोपारा अपने मायके, तो इसलिए मुझे फटाफट हाथ पैर चलाना है, ताकि 2 बजे 2:15 की ट्रेन है वो मैं पकड़ूंगी। 1 सुबह 9 की थी, इन्होंने बोले कि लोग से ही चले जाओ, पर मैं सुबह सुबह नहीं गई, क्योंकि बच्चे लोग को जगाना तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ये ओला से भी मैं नहीं जा रही हूँ, ओला से मुझे बहुत भारी पड़ता है, 3 घंटा लगता है, 4 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत हो जाती है घोड़बंदर में। इसलिए मैं ट्रेन से जाऊँगी, ट्रेन से 1.5 से पौने 2 घंटे में आराम से पहुँच जाते हैं एकदम अच्छे से, तो ट्रेन ही मुझे सबसे बेस्ट लगता है। तो चलिए फटाफट ये सामान रख लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट सामान रख रही हूँ और मेरी हेल्प कर रहा है नुमान। तो मैं बोरी में से सामान निकाल रही हूँ, खास करके मुझे दाल लेना था, क्योंकि दाल जो पहले के दाल थे उनको मैंने पूरा एकदम ख़त्म कर दिया, उसके बाद ही दाल लेके आई हूँ, क्योंकि दाल में कीड़े लग जाते हैं।
तो इसलिए इस बार मैंने ज़्यादा नहीं, बस 15 किलो दाल लेकर के आई हूँ। 10 किलो अरहर की दाल है और 5 किलो मसूर दाल है, और चने की दाल वगैरह मैं अलग से रखती हूँ, कभी मिक्स करके बनाना होता तो मिलाती हूँ मैं। और ये शक्कर का एक डिब्बा खाली हो चुका था तो ये डिब्बे में भर दे रही हूँ मैं। तो शक्कर मैंने 10 किलो ले गया क्योंकि 10 किलो ऑलरेडी रखा हुआ है एक डिब्बे में। तो ऐसे मीठा मेरे यहाँ ज़्यादा कुछ बनता नहीं है, बस चाय वगैरह या कभी कोई मेहमान आते हैं तो कुछ बनाती हूँ मैं, नहीं तो वैसे मीठा मेरे यहाँ कोई ज़्यादा नहीं खाता है कि चलो खीर पूड़ी वगैरह कुछ भी बनता है। तो ये सारे सामान मैं फाड़ के नहीं रखूँगी, बस कुछ कुछ सामान रखूँगी और बाकी के सामान मैं ऐसे डब्बे में ट्रांसफ़र कर दूँगी, ताकि मतलब जब डब्बे में से पूरा सामान ख़त्म हो जाता है जो हम यूज़ करते हैं तो उसको मैं धुलने के बाद ही फिर वो सामान को उसमें डालती हूँ, ताकि फिर अच्छा एकदम फ्रेश वाला रहे, नहीं तो उसमें आप ऊपर से डाल दोगे तो नीचे वाला फिर नीचे रह जाता है और फिर ऊपर वाला यूज़ होता है। तो इस वजह से मैं डब्बे को धुलने के बाद ही उसमें सामान रखती हूँ, जो एकदम खाली हो चुका है वो मैं रखूँगी। और ये दाल मैं डिब्बे में इसलिए डाल रही हूँ, ये दाल मैं दूसरे डिब्बे में रखती हूँ तो इसमें मुझे दाल मतलब मिक्स हो जाएगा, ढक्कन लगा के इसको ऊपर नीचे कर दूँगी मैं, नहीं तो फिर मुझे चटाई बिछाना पड़ेगा उसके ऊपर, चादर बिछा के फिर इसमें मिक्स करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और लेट भी हो रहा है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। एक साइड मैं खाना भी बना रही हूँ और यहाँ मेरे काम भी हो रहे हैं, उधर मेरे बच्चे यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। तो ये देखिए किचन में दाल हो चुका है, चावल रखी हूँ मैंने और नीचे परवल रखी, परवल की सब्जी बनाऊँगी मैं। और ये सारे सामान को मैंने ऐसे सेट कर दी हूँ, बाकी जो सामान मैं सामने रख के जाती हूँ तो लोग ढूंढने लगते हैं कहाँ है। तो चलिए फटाक से नहाते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे डायरेक्ट स्टेशन के पास। तो देखिए हम सब आ गए हैं स्टेशन पे और ये मेरा बेटा लिया था मोबाइल, उसने थोड़ा थोड़ा सूट किया है, मैं तो नहीं ली थी क्योंकि मैं नुमान को पकड़ी हुई थी, वो बहुत अजीब सा रोने जैसा वो कर रहा था, पता नहीं क्यों, उसको अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसको यहाँ स्टेशन पे नहीं आना था, उसके अब्बू के साथ उसको अपने गाड़ी में जाना था पर गाड़ी में नहीं गए थे हम, और टाइम भी बस थोड़ा सा ही बचा था, टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन थी तो फिर मैंने ऑनलाइन टिकट निकाल ली और हम आ गए फटाक से ट्रेन के अंदर बैठ गए। और ये ट्रेन हमारी जा रही है, तो ये देखिए सारा जंगल यहाँ का बीच में का है, ये पता नहीं कौन सा रास्ता है, मैं भूल चुकी हूँ कहाँ का है ये, तो वहाँ पे काफ़ी सारे पत्थर और पहाड़ वगैरह दिख रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा मैं शूट कर ली थी क्योंकि ट्रेन में इतनी गर्दी थी कि मतलब क्या ही बता, बस खाली बैठने की जगह मिल गई थी वही समझो, क्योंकि जो रेगुलर वाले दिन होते हैं उनको ऑफिस जाना रहता है काम पर अपने, तो इस वजह से। और ये हम लोग आ गए हैं शायद भिवंडी, तो भिवंडी में काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि ये ही मेन है। तो देखिए सब लोग चढ़ने के लिए एकदम बेताब हुए जा रहे हैं एकदम से, और ज़्यादा देर रुकती नहीं है ये ट्रेन, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी हम लोग उतरने वाले हैं स्टेशन पे, स्टेशन आने वाला है और ये साइड में देख रही हूँ नमक की खेती और मुझे देखिए रॉन्ग साइड में नमक की खेती दिख रही है, फिर यहाँ से मैं थोड़ा सा शूट कर रही हूँ खिड़की में से, दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा वाइट सा, और मैं हमेशा सोचती हूँ कि मतलब जिस साइड में बैठी हुई साइड नमक की खेती आएगी पर ये साइड नहीं आती, मैं हमेशा गलत हो जाती हूँ और वो साइड आई है, तो मैंने खिड़की में से थोड़ा सा शूट कर ली हूँ और देख रही हूँ। और ये हम उतर गए हैं और इतनी गर्मी से मेरे बच्चे हो गए थे एकदम परेशान, इन लोगों को पानी पीना था और जो बोतल में पानी रखी थी मैं एकदम गर्म हो चुका था, और मेरे बेटे को चाहिए था आइसक्रीम, कभी भी कहीं भी कुछ भी मांग लेता है, ऐसी चीज़ मांगता है कि जो उसको ना मिल सके, और उसको नहीं मिलती तो बहुत परेशान करता था, यहाँ पर मुझे उसने बहुत परेशान किया था। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे खड़ी हो गई थी 5 मिनट के लिए ताकि मतलब सीढ़ी खाली हो जाए, सारे लोग चले जाएँ, उसके बाद मैं इन लोगों को लेके चढ़ूँ, क्योंकि बच्चे हैं परेशान करते हैं, मेरे बच्चे कुछ के ज़्यादा ही परेशान करते हैं। तो पहले तो मैं किसी को अपने साथ लेकर ही आती थी, अकेले कभी नहीं आती थी, पर ये 2 बार से ऐसा हो रहा है कि मैं बच्चों के साथ में चली आती हूँ, क्योंकि नुमान थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, थोड़ी सी कम बदमाशी करता है पर फिर भी बहुत बदमाशी करता है वो, उसके साथ जाने के लिए मैं बहुत मतलब नहीं जाना चाहती हूँ, कोई अगर आदमी साथ में रहे या कोई जन रहे तो ही मैं उसके साथ आती हूँ।
पर मजबूरी है तो आना ही पड़ता, ज़रूरी काम था इसलिए मुझे आना पड़ा था साथ में। और एक बार अगर साथ निकलो बच्चों के साथ बाहर अकेले तो ही पता चल पाता है कि हम मतलब जा सकते हैं बच्चों के साथ कि नहीं जा सकते हैं। तो उतना ज़्यादा नहीं परेशान करता, पर गर्मी बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, मुझे भी लग रहा था, खुद को भी गर्मी लग रही थी क्योंकि मैं घर में रहती तो मुझे पता नहीं चलता है। तो रास्ते में मैंने रिक्शा कर ली थी, रिजर्व रिक्शे से आ गई थी और ये आ गए हम घर पे। तो यहाँ पे नाश्ता चल रहा है बच्चों का और मैंने भी खा ली थी एक समोसा और वड़ा पाव लेकर आई थी मेरी भाभी, तो हम लोग खाए हैं बैठे हैं। और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मतलब पता नहीं क्यों रश जैसा एकदम सा है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, यहाँ भी सुकून नहीं मिल रहा था। देखिए मैंने सारे मतलब मुँह हाथ वगैरह धो के आराम से बैठी हूँ। और ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि आपको मेरे जो वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। और देखिए यहाँ पर चल रही है बच्चों की मस्ती, ये है मनहा, मेरी दूसरी भतीजी हैं ये, तो इनकी चल रही है मस्ती। और ये देखिए मटका रखा हुआ, मेरी भाभी ने मटका ली है और क्योंकि इसमें पानी पीने के लिए, तो बच्चे इसको बार 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 खोल के इसमें से पानी निकाला कर रहे हैं, पिया करें। खास करके मेरा नुमान, इसको बहुत अच्छा लग रहा है मटका देख के, क्योंकि मेरे यहाँ मटका वटका नहीं है। मेरी भाभी के पास मतलब फ्रिज है पर फिर भी मटका लिए शौक से पानी भरने के लिए, लेकिन वो बोल रही है मुझे नहीं रखूँगी मैं, क्योंकि बच्चे दिन भर इसमें से पानी निकालते हैं और सारा पानी नीचे गिराते हैं। तो ये घर ऐसी फैला है, बस जब तक बच्चे लोग हैं तब तक का, उसके बाद आराम से ठीक हो जाता है। चलिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।